नंबर एक, पानी में बेल की पत्तियों और एक टुकड़ा अदरक उबालकर पीने से लूज मोशन की प्रॉब्लम में फायदा होता है। नंबर दो, खाना खाने से पहले नहाने की आदत ठीक है, लेकिन बाद में यह खतरनाक हो सकती है। दरअसल खाना खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। खास बात यह है खास कि पेट के हिस्से पर रक्त प्रभाव का सीधा असर होता है और इसका सीधा असर पाचन क्रिया पर होता है और वह मंद पड़ जाती है। नंबर तीन, सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखें खोलकर साफ पानी के छींटे आंखों में मारने चाहिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर चार, संतरा खाने से टेंशन कम होती है, इसलिए डॉक्टर काम पर जाने से पहले संतरा खाने की सलाह देते हैं। नंबर पाँच, हर रोज तुलसी का सेवन करने से मलेरिया नहीं होता। नंबर छः, ऊंटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। नंबर सात, ताजा हरा धनिया मसल कर सूंघने से छींके आना बंद हो जाती हैं। नंबर आठ, अगर आपको लगातार हिचकी आ रही है तो ठंडे पानी से गरारे करने से तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। नंबर नौ, अदरक और गुड़ मिलाकर रस निकालकर रस की बूंदें नाक में टपकाने से आधा से दर्द में लाभ होता है। नंबर दस, सुबह उठकर 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। सुबह खाली पेट चाय और कॉफी का सेवन कभी ना करें। नंबर 11, रात को सोने से पहले एक्सरसाइज करने से नींद आने वाला मेलाटोनिन हार्मोन कम बनने लगता है। सोने से एक घंटे पहले एक्सरसाइज करें। नंबर 12, सर्दी के दिनों में शरीर को अंदर से गर्म करने रखने के लिए बाजरे की रोटी का सेवन करें। इसका नियमित सेवन आपको पूरे ठंड में मौसम में स्वस्थ बनाए रखेगा। नंबर 13, नींद ना आने की वजह से परेशान है तो भीगे अखरोट का सेवन करें, क्योंकि अखरोट में मेलानिन नामक तत्व होते हैं जिससे नींद अच्छी आती है। नंबर 14, मेथी हजम शक्ति को बढ़ाता है, यह शरीर के विषाल पदार्थों को निकालने में मदद करता है, साथ ही कब्ज से भी राहत दिलाता है। नंबर 15, सिर्फ एक घंटा हेडफोन लगाने से हमारे कानों के जीवाणुओं की तादाद 7 गुना बढ़ जाती है। नंबर 16, गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से गला बंद खुल जाता है। नंबर 17, दिल के मरीज लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। नंबर 18, अदरक वाला पानी पीने से जिस्म में जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। नंबर 19, आटे को नमी से बचाने के लिए इसमें तेज पत्ता डाल दें। नंबर 20, अगर आप चाहती हैं कि मोमबत्ती अधिक समय तक रोशनी दे तो कंटेनर या गिलास में फिक्स करने के बाद उसको पानी में आधा भर दें, फिर मोमबत्ती जलाएं, इससे यह अधिक समय तक जलेगी। नंबर 21, टमाटर पकाते समय उसमें एक चुटकी नमक डाल दें, जल्दी गलता है। नंबर 22, दूध में नमक मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। नंबर 23, प्याज का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। नंबर 24, जब आपको पेशाब लगे तो ज्यादा देर तक मत रुको, इससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नंबर 25, अगर आपके लीवर में कमजोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खाने से लीवर मजबूत होता है। नंबर 26, दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट बाहर नहीं आएगा। नंबर 27, इलायची वाले दूध के सेवन से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 28, पेट की गैस खत्म करने के लिए सूखे पुदीने का सेवन करें। नंबर 29, अधिक ठंडा पानी पीने वाले लोगों के दांत जल्दी गिर जाते हैं। नंबर 30, रात को ज्यादा खाने वाले व्यक्ति जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। नंबर 31, अदरक वाले पानी का सेवन करने से खून नहीं जमता। नंबर 32, काला नमक चाटने से गला नहीं बैठता है। नंबर 33, आलू के सेवन से नजर तेज होती है। नंबर 34, हल्दी दूध के सेवन से सिर का दर्द खत्म होता है। नंबर 35, दूध और जलेबी के सेवन से शरीर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 36, शाम को चाय या कॉफी की जगह जूस पिया करें, और अगर नहीं पी सकते तो चाय के साथ 2 बिस्कुट जरूर खाएं या कुछ भी हल्का सा खा लें। खाली चाय ना पिए, बहुत नुकसान देती है। सारे परिवार का ख्याल रखने वाली महिला खुद का ख्याल रखना ही भूल जाती है, खुद का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। नंबर 37, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। नंबर 38, फटी एड़ियों से परेशान है तो आप पीपल के पत्तों का रस लगाइए, इससे पैरों की फटी एड़ी ठीक हो जाती है और पीपल के पत्तों का गर्म लेप से शरीर के घाव को दूर किया जा सकता है। नंबर 39, हर रोज गर्म पानी का सेवन करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, हृदय स्वस्थ रहता है,
नंबर 40, अगर कोई व्यक्ति पथरी की समस्या से परेशान है तो वह सुबह शाम दोनों समय भोजन करने के पश्चात एक गिलास गर्म पानी का सेवन जरूर करें। नंबर 41, लहसुन वाली चाय पीने से चेहरे की झुर्रियां ठीक होती हैं। नंबर 42, जमीन पर लिखने से आपके कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 43, चीनी की जगह गुड़ को इस्तेमाल करने से आपको शुगर की बीमारी नहीं होती। नंबर 44, शाम को चावल का सेवन करने से व्यक्ति की चर्बी जल्दी से बढ़ती है। नंबर 45, गन्ने का रस पीने से आपकी आवाज़ बहुत सुरीली हो जाती है। नंबर 46, मसूर की दाल का अधिक से अधिक सेवन करें जिससे आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 47, भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। नंबर 48, नूडल्स उबालते समय उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और तेल डालें और निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धोएं। नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। नंबर 49, रायते में हींग जीरा भूनकर डालने की बजाय अगर हींग जीरे का तड़का लगाएं तो रायता स्वादिष्ट बनता है। नंबर 50, राजमा या उड़द की दाल बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डालें, जल्दी पकेगी। नमक दाल गलने के बाद डालें। नंबर 51, पूरियां खस्ता बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें एक चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूरियां खस्ता बनेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।